Hello friends, welcome to Shiva Learning. For more updates, you can also log in to our website www.shivalearning.in. So friends, ये वीडियो किसी के लिए इसमें बहुत गुड न्यूज़ हो सकती है और किसी के लिए ओनली सेटिस्फाइंग हो सकती है. तो भाई जो न्यूज़ है आज की, यानी कि 25 जनवरी 2019 की लेटेस्ट अपडेट नीट की, वो ये है कि एक रिपोर्ट जो ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, इन्होंने एक सर्वे कराया, उसमें कुछ रिपोर्ट्स आई हैं और उन रिपोर्ट्स में ये बातें सामने आई कि जो एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं वो एमबीबीएस के लिए उतना अप्लाई नहीं कर रहे. वो अपने रिजर्व कैटेगरी जो उनके लिए है 15% और 7.5%, उसको भी वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं. बट नर्सिंग के लिए और उससे थोड़े छोटे कोर्सेज के लिए उनकी जो संख्या है कैंडिडेट्स की, वो लगातार बढ़ रही है. तो मेरे पास एक आर्टिकल है, आइए इसको पढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें लिखा क्या है. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट आए तो आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाए. सो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा, द नंबर ऑफ एससी एंड एसटी स्टूडेंट्स एनरोलिंग इन एमबीबीएस एंड डेंटल कोर्सेज हैज़ गोन अप ओनली मार्जिनली. सो इसमें आगे लिखा है, न्यू दिल्ली स्टूडेंट्स फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर नॉट फिलिंग अप द एंटायर कोटा ऑफ सीट रिजर्व फॉर देम इन एमबीबीएस एंड डेंटल कोर्सेज अक्रॉस इंडिया बट इन कोर्सेज सच एज नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एनरोलमेंट फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज हैज़ एक्सीडेड देयर रिस्पेक्टिव कोटाज ऑफ 15% एंड 7.5%. तो इसका मतलब क्या है, जो एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं वो अपना जो उनके लिए रिजर्व कोटा है उसी को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, उसी को फिल नहीं कर रहे हैं. जो उनका रिजर्व कोटा है उस उतनी भी उनकी एप्लीकेशंस नहीं आ पा रही हैं, बट जो नर्सिंग के लिए है और मिडवाइफरी है उसमें वो एक्सीड कर रहे हैं अपने जो रिजर्व कोटा है, उससे ज़्यादा उनकी क्वांटिटी हो रही है, कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन आ रही है. तो इसमें बहुत सारे के लिए सेटिस्फाइंग ओनली न्यूज़ हो सकती है अगर वो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं. उनके लिए कुछ ये बातें भी हो सकती हैं कि हमारी जो कैटेगरी है वो हम अपना पूरा फ़ायदा और नहीं उठा पा रहे हैं उस चीज़ का, बट गुड न्यूज़ उनके लिए हो सकती है क्योंकि अगर कभी भी एक रिज़र्व कैटेगरी, सपोज़ अगर 15% रिजर्वेशन कोटा उन्हें मिला हुआ है और उसमें से भी पूरी एप्लीकेशन नहीं आती है, तो इट मीन्स दूसरी कैटेगरी के लिए सीट्स बढ़ जाती है, और सीट बढ़ जाती है तो इससे कट ऑफ पर, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी कट ऑफ अफेक्टिंग फैक्टर्स वाली, उसे आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तो इससे कट ऑफ पर फ़र्क पड़ता है और फ़र्क पड़ता है पॉजिटिवली, यानी कि जो कट ऑफ होती है वो थोड़ी कम जाती है इस केस में, अगर पॉजिटिव फ़र्क पड़ता है कट ऑफ पर. तो इसके इससे गुड न्यूज़ ये होती है कि आपकी कट ऑफ इससे थोड़ी कम जा सकती है. ये इसी साल से थोड़ी कम हो रही है, पिछले लास्ट ईयर से 2018 से, और ये 7 साल का इन्होंने जो वो सर्वे करा है इसमें आगे लिखा हुआ है, डाटा फ्रॉम द ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन AISHE अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट शोज दैट इन द लास्ट 7 ईयर्स एनरोलमेंट ऑफ एससीज वॉज 13.42% इन 43 मेडिकल कोर्सेज, द कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर फॉर एसटीज वॉज 4.95%. तो गाइस इसमें आगे लिखा है, मीनवाइल इन कोर्सेज सच एज जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ एंड ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ एनरोलमेंट ऑफ एस सी स्टूड एट 21.3% एंड 21.7% रिस्पेक्टिवली, वाइल एनरोलमेंट ऑफ एस टीज वॉज एट 9.27% एंड 10.41% रिस्पेक्टिवली. तो गाइस ये काफ़ी एक रिपोर्ट है, ये ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से, और उसमें ये बात सामने आई है और ये लेटेस्ट रिसेंटली अपडेटेड है और ये कल ही ये न्यूज़ पोस्ट हुई है. तो गाइस ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ भी है और सेटिस्फाइंग न्यूज़ भी है. तो ऐसी रेगुलर अपडेट्स हम आपको अपने चैनल पर देते रहेंगे और ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई हमारी अपडेट आती हो तो आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाए नीट MBBS और AIIMS MBBS और GE से जुड़ी हुई सारी न्यूज़. मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार.